बोलते जो चंद हैं, ये जो शर पसंद हैं, खींच ले इनकी जुबां, घोंट दे इनका गला। ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो। ये उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। अहमद फरहाद, कश्मीरी शायर, राइटर, जर्नलिस्ट, जिन्होंने कश्मीर के प्रोटेस्ट पर धुआंधार रिपोर्टिंग की और लम्हा ब लम्हा खबरें शेयर करते रहे, उनको उठा लिया गया था 17 मई को। 17 मई को अहमद फरहाद लापता हो गए थे और अब तक वो रिकवर नहीं हो पाए। अब तक उनका कुछ पता नहीं है, वो अभी तक मिसिंग पर्सन हैं, लापता हैं। लेकिन अहमद फरहाद एक बड़े शायर तो थे ही, लेकिन अब वो एक ऐसे हीरो भी बन चुके हैं जिनके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब हियरिंग होती है तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ये कहते हैं कि ISI के सेक्टर कमांडर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके लाएं। और कहा जाता है कि इदारों की तरफ से ये कहा गया है, ISI की तरफ से कहा गया है कि उनकी तहवील में अहमद फरहाद शायर नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी कहते हैं अटर्नी जनरल को कि फौरी तौर पर उनको बाजियाब किया जाए, आप बंदों को उठा लेते हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि वजीर आजम को तलब किया जाएगा, जब प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है तो फिर मसला हल हो जाता है। उन्होंने कहा कि उन तमाम लोगों को तलब किया जाएगा कि जिनके नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अटर्नी जनरल से कि आप सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाएं, सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाया जाएगा। तो जिन लोगों को जस्टिस मोहसिन कयानी ने तलब किया, जिनकी बात की और जिनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए कहा, ऐसा इससे पहले नहीं देखा गया। यही वजह है कि इस धुआंधार समात की हेयरिंग की कहानी दूर दूर तक, बल्कि हकीकत दूर दूर तक फैल चुकी है। अहमद फरहाद की अहलिया वाइफ का ये कहना है कि उनसे एजेंसीज ने रब्ता किया और उनको ये कहा गया कि आपने जो ये पटिशन दायर की है इसको वापस ले लिया जाए। और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उनसे ड्राफ्ट्स भी शेयर किए गए। उन्होंने का कहना था कि उनके पास स्क्रीन शॉट्स मौजूद हैं, कि उनको धमकाया गया कि ये मुकदमा वापस ले लिया जाए। इस मुकदमे को ईमान जैनब मजारी देख रही हैं और हम तक इसकी तमाम रिपोर्ट्स पहुंचती रहीं। मतीउल्लाह जान साहब, आपको पता है कि सीनियर रिपोर्टर, वो इस तरह की हियरिंग्स की तमाम समाज जो है वो पहुंचाते हैं नाज़रीन तक, लेकिन इसके अलावा जो है पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने इसको कवर किया है। अहमद फरहाद एक बड़े शायर तो थे ही, हैं ही, लेकिन अब वो एक हीरो बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है, ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो। ये उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो। ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो। उठाने वालों से कुछ जुदा है, वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, ये उनके बारे में पूछता है, इसे उठा लो। वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, ये उनके बारे में पूछता है, इसे उठा लो। चाहे एक और जुन भी है कि जिन्हें उठाने पे हमने बख्शे मकाम व खिल्लत, जिन्हें उठाने पे हमने बख्शे मकाम व खिल्लत, ये उन सयानों पे हंस रहा है, इसे उठा लो। इसे कहा था जो हम दिखाएं बस उतना देखो, इसे कहा था जो हम दिखाएं बस उतना देखो, मगर ये मर्जी से देखता है, इसे उठा लो। और एक और बड़ा जुर्म है यहां पर कि ये पूछता है कि अमने आमा का मसला क्यों। कर्नल साहब माजरत, मैं वायद आपसे माजरत कर रहा हूं। ये पूछता है कि अमने आमा का मसला क्यों, ये अमने आमा का मसला है। ये
ये पूछता है कि हमने आमा का मसला क्यों, आधा पाकिस्तान तो इसलिए अंदर है, ये हमने आमा का मसला है इसे उठा लो। सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पर, हम तो आईनी हुदूद का पूछते ना तुमसे। सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पर, ये अपनी हद से गुजर गया है, इसे उठा लो। बहुत बड़ी आवाज बन चुकी है लोगों की, और वो बहुत जल्द, ये कहा गया अदालत में कि फ्राइडे तक, जुम्मे तक वो वापस आ जाएंगे। अभी देखते हैं। अच्छा, सिर्फ यही हेयरिंग नहीं हुई बल्कि इसके साथ जो मिसिंग बलोच स्टूडेंट्स हैं, बलोच तलबा हैं, उनकी भी हेयरिंग हुई है, और उनके लिए भी जस्टिस मोहसिन कियानी ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि इतने मिसिंग पर्सन्स का खाना पीना रहना, ये जहाँ पर इनको रखा जाता है, उनका कहना था कि अगर ये एजेंसीज के पास हैं तो इनका जो बजट है वो कैसे पूरा होता है, तो उसका भी ऑडिट किया जाए कि ये कहाँ से इतना बजट आता है जो इतने लोगों को खिलाया पिलाया जाता है। थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक कदम आगे बढ़ने के साथ ही इससे ही जुड़ा हुआ एक और मामला सामने आता है, जिसमें अब सबको बोलने से मना किया जा रहा है, यानी ये कि डेफेमेशन लॉ, ब्लैक लॉ हुकूमत लाने की भरपूर कोशिश कर रही है, और पंजाब असेंबली में डेफेमेशन लॉ, जिसको मैं ब्लैक लॉ कहूंगी, उसको पास कर दिया गया। लेकिन पास करने के बावजूद अभी तक जो जर्नलिस्ट हैं उनके वो रेजिस्टेंस सामने नजर आ रही है, वो रेजिस्ट कर रहे हैं, और अब उस कानून को, उस ड्राफ्ट को, उसके मुसवदे को, टेक्स्ट को गवर्नर के पास भेजा गया, और मीडिया पर, सोशल मीडिया पर यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, तमाम का तमाम सोशल मीडिया, तो मीडियम्स जितने भी हैं उन सब पर अब बोलना मना है, आपको चुप कराने की, बल्कि हमें चुप करवाने की तमाम साजिश तैयार कर ली गई है। डेफेमेशन लॉ का मतलब यह है कि किसी की भी अगर बेइज्जती की जाएगी, अब बेइज्जती से मुराद यह है कि कोई भी गैर हकीकी या झूठी खबर शाया की जाएगी या बताई जाएगी, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। तो मुझे आप ये बताइए कि अब आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बात नहीं कर सकते, अब आप प्राइम मिनिस्टर पर नहीं बोल सकते, आप प्रेसिडेंट पर नहीं बोल सकते, आप जुडिशरी पर नहीं बोल सकते, आप पॉलिटिशियंस पर नहीं बोल सकते, और आप एस्टैब्लिशमेंट पर तो वैसे ही नहीं बोल सकते, तो आप किस पर बोलेंगे? आप किसी चीज पर नहीं बोल सकते, क्योंकि आपकी हर खबर को ये कहा जा सकता है कि ये गैर हकीकी खबर है। मुझे ये समझ में नहीं आ सकी कि ये गैर हकीकी खबर का क्या मतलब है। जैसे अगर आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लॉ आ रहा है ये ठीक है, लेकिन इसको इस तरीके से ठीक कर लिया जाए, तो वो तमाम सहाफ़ी जो कि एक आज़ाद सहाफत के अलम्बरदार हैं, जो ये समझते हैं कि मीडिया को बंद नहीं किया जा सकता, और ये एक ऐसा ब्लैक लॉ है जो अगर आ गया, जो अगर लाया गया, तो फिर किसी पर कोई बात नहीं की जा सकेगी, फिर आप पहले ही खुलकर खेलते हैं तो फिर आप और खुल के खेलिए। एक और बात इसके अंदर ये कि जो ये कहता है कि ये जो सहाफ़ी हैं, ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये जो जर्नलिस्ट हैं, ये सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं, ये क्योंकि बोलते हैं, गलत बोल रहे हैं, ये मुल्क के खिलाफ बोल रहे हैं, ये मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है, 75 इयर्स में किसी सहाफ़ी या जर्नलिस्ट की वजह से मुल्क को कौन सा नुकसान पहुंचा है? मशरकी पाकिस्तान से आप शुरू हो जाइए और आज तक, क्या ये जो 71 में जो कुछ हुआ ये सहाफियों की वजह से हुआ, या 71 में जो हुआ, जो मुल्क टूटा, वो जर्नैलों और सियासतदानों की वजह से हुआ? वो अतलिया भी उसमें शामिल थी क्या? वो किसकी वजह से हुआ? क्या वो गलत पॉलिसीज की वजह से हुआ या सहाफियों की वजह से हुआ? APS का सानहा क्या सहाफियों की वजह से हुआ था या आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से हुआ था? दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर सहाफियों की वजह से आई है, दहशतगर्दी में जो बम धमाके हो रहे हैं वो जर्नलिस्टों की वजह से हो रहे हैं, मुल्क के ऊपर जो इकोनॉमी की सिचुएशन है कि डिफॉल्ट होने के करीब हमेशा रहते हैं आप, ये सहाफियों की वजह से हैं, IMF के पास जो नाक रगड़ रहे हैं ये सहाफियों की गलतियों की वजह से हैं क्योंकि वो बोलते हैं। पाकिस्तान के जितने मसाइल इस वक्त हैं उसमें से कोई एक मसला या कोई एक ब्लंडर या कोई एक ऐसा बड़ा सानहा आप मुझे बता दीजिए जो कि
किसी सहाफी के बोलने या उसकी गलत खबर देने या उसके किसी प्रोग्राम की वजह से हुआ। फिर ये जो कहता है ना कोई भी बंदा कि ये जो है ये मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आज तक मुल्क को नुकसान किसी सहाफी की वजह से तो नहीं फैंक नहीं पहुंचा। ये कहा गया है कि ये हद तक इज्जत का कानून आइन के आर्टिकल 19 के खिलाफ है, इस पे आप साइन नहीं कर सकते। उसमें कहा गया है कि इस कानून के नफाज से आजादी इजहार राय को रोका गया और जो फंडामेंटल राइट है उसके खिलाफ है ये, हद तक इज्जत कानून मालूमात तक रसाई यानी कि इंफॉर्मेशन एक्सेस के शहरियों का जो हक है उसके लिए बड़ी रुकावट है, जबकि कानून के नफाज से आजादी इजहार का गला काट दिया गया है। तो देखिए अभी तक तो जो सहाफी हैं, इसकी वजह ये है कि जितने भी सहाफी बरादरी थी उसने जब ये पास हुआ पंजाब असेंबली में बाइकआउट किया, लेकिन उसके अलावा जो है हर जगह पर इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है और पहले भी इस तरह के लॉ लाने की कोशिश की जाती रही है लेकिन वो पास नहीं हो सके। तो उम्मीद तो यही है कि ये पास नहीं होगा, लेकिन अगर आपने इसको पास करवा भी लिया तो फिर आप ये करेंगे कि जैसे कि मैं देख रही थी कि दुबई में सारी उम्र नौकरी करने वाले पाकिस्तान के अंदर एक घर नहीं बना पाते, जबकि पाकिस्तान में नौकरी करने वाले दुबई में महल खड़ा कर लेते हैं। तो फिर ऐसा ही होगा और कोई बोलने वाला नहीं होगा। वहां पर जर्नलिस्टों को उठाया जाता है और कत्ल किया जाता है, और कितने कत्ले इस सिलसिले में हो चुके हैं, किस तरीके से जो जो कुछ हो चुका है सहाफियों के साथ। तो नुकसान तो सिर्फ जर्नलिज्म को पहुंचा और जर्नलिस्टों को पहुंचा है, जर्नलिस्टों से मुल्क को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, और नुकसान जिसे पहुंचा वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मतलब सवाल है मेरा, मेरा तो सवाल है ना, कोई एक बता दीजिए किसी सहाफी की वजह से कोई बड़ा, आप बता दें कौन सा सानिया हुआ है। हाँ सहाफियों के साथ जो सानियात हुए हैं वो हम आपको बता सकते हैं, वो आप देख ही रहे हैं। अच्छा अब इससे थोड़ा आगे बढ़े तो आप ये सोचें कि जिस मुल्क में पोलिटिकल क्राइसिस यहाँ पर पहुंचा हुआ हो, कि जो रऊफ हसन है उन पर ख्वाजा सराओं से हमले कराए जा रहे हो। अब हुआ क्या है, पीटीआई के वो स्पोक्स पर्सन है जो इस वक्त पीटीआई का एक चेहरा नजर आ रहे हैं, इमरान खान की पार्टी का जो चेहरा एक नजर आ रहा है और जो पढ़ा लिखा समझदार और सेंसिबल एक बहुत अच्छे अंदाज में बात करने वाला, वो रऊफ हसन ही नजर आते हैं। तो रऊफ हसन पर हमला किया गया है और ख्वाजा सराओं ने हमला किया, और यहाँ हमला सिर्फ ये नहीं कि उनको उनके पर किसी ने आके मारा पीटा, नहीं, उनको ब्लेड से खूनो खून कर दिया गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक उनको एक गला, उन्होंने कहा कि गले काटने की कोशिश की गई, उनका गला काटने की कोशिश की गई है, और जिन्होंने हमला किया वो ख्वाजा सरा थे। हमारे लोग नहीं, हमारा गेटअप करके एक लड़की आए, उस जगह में कोई आम इंसान भी नहीं आ सकता, ठीक है, हमारा गेटअप करके उनके साथ कोई मसला होगा कोई। और उनकी तस्वीरें इन तमाम मीडिया पर वायरल होती रही जिसमें उनको फिर वो ब्लेड भी नजर आया जमीन पर गिरा हुआ जिस ब्लेड से उनको मारा गया। तो ये तो मेरी नजर में तो ये कातलाना हमला है। और उसके बाद देखिए अगर उनको कोई नुकसान पहुंच जाता है, यानी इसके अलावा कुछ बड़ा सानिया हो जाता तो जो ख्वाजा सरा है उसको तो कुछ भी ना होता, उनको उसको पकड़ के ले जाते और कहते, जिस तरह इससे पहले समी अब्राहम के साथ लड़ाई हुई थी ख्वाजा सराओं की, आपको याद होगा क्या मसले थे, वो भी बड़ी खबर चलती रही, लेकिन अगर ख्वाजा सरा कुछ कर देते तो 2-4 महीने जेल में रह जाते फिर ठीक हो जाते। तो बड़े ही अफसोस की बात यह है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें अगर आपके इख्तलाफात हैं तो उसको वहां तक नहीं आना चाहिए कि जहां पर आप एक दूसरे के ऊपर कातलाना हमले करवा रहे हो। तो रऊफ हसन ने जो है वो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये GHQ के ख्वाजा सरा थे। अब वहां के तो खैर वहां पे से अगर आपके पास कोई आता तो डाले शाले आते भी गो हैं, ये तो ना आते। तो बहरहाल और इसके अलावा तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ से इसको कंडेम किया गया, HRCP ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इसको कंडेम किया गया। तो जिस मुल्क में आपके पॉलिटिकल क्राइसिस का ये हाल हो वहां पर आप ये कहें, वहां पर कोई ये कहे कि मुल्क को नुकसान सहाफियों की वजह से हो रहा है तो कितनी मजाक खेज बात होगी ये। इजाजत दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।